my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। अर्थ फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। वन ऑफ द बेस्ट अपडेट भाई, जो 3.1 अपडेट आ रहा है। दिल तो कर रहा है कि बस बीटा वर्जन में ही खेलता रहूं, क्योंकि भाई इतने नेक्स्ट लेवल चीजें जो इन्होंने डाले। फ्लैंग इवेंट भी हमें देखने को मिल जाएगा और ज़मीन पे भी हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पावर वगैरह और ऊपर से जीनी भी हमें देखने को मिल जाएगा। भाई इतने ओपी किस्म की चीज़ें डाले हैं ना, मैंने कहा था ना कि दिल कर रहा है कि बस बीटा वर्जन ही खेलते रहूँ। तो चलो पूरा का पूरा अपडेट जो है ना इसी वीडियो के अंदर हम चेकआउट कर लेते हैं और देख लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक जरूर ठोक देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो बिल नोटिफिकेशन के साथ साथ, और ये वाली वीडियो लाजमी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम इधर इरेंगल को स्टार्ट करते हैं ना, तभी ये जो है ना हमारा एक छोटा सा आइलैंड होगा गेम स्टार्ट होने से पहले जो हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर हमारा इधर गेम स्टार्ट होता है ना उस टाइम पे आप लोग इधर देख सकते हो। तो इधर जितनी भी चीज़ें सारे के सारे मैंने कवर किए, फिर भी अगर कोई एक आधा रह जाता है ना, तो टू एंड थर्ड अपडेट जो आता है बीटा वर्जन का, उसके अंदर सारे के सारी चीज़ें हमें क्लियर भी देखने को मिल जाएंगे, फिर तभी हम चेकआउट करेंगे और रिकॉल से रिलेटेड भी हम बातचीत करेंगे। जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होता है भाई 6th एनिवर्सरी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई अलादीन वाला अपडेट आ रहा है या फिर इवेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसी के साथ साथ 6th एनिवर्सरी तो लाजिमी आएगी, क्योंकि पबजी मोबाइल जो है ना सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर एनिवर्सरी नहीं छोड़ दे। तो अब जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होता है भाई, इरेंगल पूरा का पूरा चेंज, इरेंगल जो है ना पूरा का पूरा हमें नाइट मोड में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ जैसा कि पैरो अपडेट आया था ना, उस टाइम पर भी एक लाइन एक साइड से दूसरी साइड तक जाता था, जैसा कि इधर स्कूल तक गया है, और दूसरा जो है ना भाई दूसरे साइड से आया है नुवो तक, ठीक है, नुवो तक आया है। तो अब उधर से जो है ना हमें एक शिप या फिर बोट देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं, जैसा कि पैरो अपडेट के अंदर हमें देखने को मिला था ठीक वैसा ही। मगर इधर जो भाई हमें मिरर वर्ल्ड के अंदर देखने को मिला था ना ठीक वैसा ही, इधर जो है ना उस टाइप की जगह भी है। दो जगह, सॉरी मिरर वर्ल्ड तो नहीं, जुजुत्सु काइसन हम बोल सकते हैं, जुजुत्सु काइसन के टाइम पे जो हमें देखने को मिला था। तो अब इधर की अगर बात की जाए, सबसे पहली चीज ही हम इधर लैंड करते हैं ना, तभी हमें इधर पूरा का पूरा एक और न्यू शहर देखने को या फिर एक और न्यू सिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। इधर ये जो है ना ये हमारा हो ड्रॉप होने वाला है। तो अब इधर जो है ना रिकॉल वाला सीन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इधर जो है ना दो रिकॉल भी मैंने एक ही मैच में उठाए, तो वो भी मैं आगे दिखाता हूँ। इस जगह पे हम अच्छा खासा पार्ट भी कर सकते हैं, और इधर जो है ना हमें अच्छे खासी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगे। इसके पावर वगैरह जो न्यू आते हैं वो भी हमें इधर देखने को मिल जाएंगे, और इधर जो है ना हमें जीने भी देखने को मिल जाएगा। अगर कोई बंदा कोई विश करना चाहता है तो वो भी इधर कर सकता है। और अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए, अचीवमेंट्स थोड़े बहुत हार्ड हमें देखने को मिल जाएंगे। और इधर जो है ना ये डांसिंग वाला ग्रेनेड भी हमें देखने को मिलेगा, अगर कोई बंदा यूज़ करता है ना, सामने वाला भाई डांस करने लग जाता है, और उसी के साथ साथ जीनी भी होगा। तो डांसिंग ग्रेनेड के नीचे एक और पत्ता भी हमें देखने को मिलता है, तो अब जैसे ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक करते हो, ये हर एक बंदे के पास होगा, जो भी बंदा लैंड करेगा उसी टाइम पे उनको देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद उनके थ्रू छोटे छोटे इवेंट जो इन गेम मतलब एरेंगल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं ना, वो सारे के सारे फिर देख सकते हैं मैप के अंदर, ठीक है। और ये जो है ना इसका पहला इवेंट हो गया, और एक इससे आगे एक और भी है। कुल मिलाकर दो इवेंट हमें देखने को मिल जाएंगे ऊपर हवा में, और ज़मीन पे जो है ना वो सारे के सारे एक छोटे छोटे से मतलब सिटी जो इन्होंने बनाई है वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ इधर जो है ना इधर कुछ और ऑप्शन भी है, और एग्जिट की अगर बात की जाए, इधर से जो है ना अगर आप एग्जिट करना चाहते हो या फिर निकल जाना चाहते हो ना, इधर जो है ना कुछ जगह उधर से आप निकल सकते हो। इधर जो है ना लिव वाला ऑप्शन है, अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्टली फिर इधर से बाहर हो सकता हूँ। मगर मजे की बात एक और भी है भाई, इधर जो है ना टेलीपोर्ट वाला सीन भी है, मतलब एक जगह से आप डायरेक्टली दूसरे जगह पे भी जा सकते हो, और जंप वाला ऑप्शन भी इन्होंने इधर रखा है, एकदम ऊपर इजीली आप चढ़ सकते हो। और इधर अगर आप एनिमी को डैमेज देते हो
हिट इफेक्ट जो है ना इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। नॉर्मल वाले जो होते वो जो है ना इन्होंने चेंज कर दिया है, वो भी आप लोगों ने इधर देखा, मैं आगे फिर से अगेन दिखाऊंगा। और इधर जो है ना एक डांसिंग ग्रेनेड हमें देखने को मिला है, और एक जो है ना एक और पावर भी इसका मुझे देखने को मिला है, तो वो भी इंशाल्लाह हम आगे चेकआउट करेंगे कि वो है क्या चीज़। और टेलीपोर्ट वाला सीन जो है ना वो किस टाइप का होता है वो भी मैं आगे दिखाता हूँ। वो इससे पहले या फिर अभी तक जो चल रहा है ना वो वाव के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। वाव मैप के अंदर जो है ना अक्सर बंदी यूज़ कर लेते, मगर इधर जो है ना इन्होंने एक और न्यू चीज़ भी डाला है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो डायरेक्टली दूसरे जगह तक पहुंच सकते हो या फिर सर्कल तक आप पहुंच सकते हो। इधर जो ये वाला चीज़ आप लोग देख सकते हो ना, मतलब आगे जो है ना हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ये जो है ना ये इस टाइम पे ग्लिच है, ये जैसी बीटा वर्जन का टू एंड या फिर थर्ड अपडेट आ जाए ना उसी टाइम पे ही हमें क्लियर देखने को मिल जाएगा, और पूरा का पूरा एरेंगल जो है ना नाइट मोड में ही होगा। और इधर की अगर बात की जाए ये जो है ना वही टेलीपोर्ट वाला सीन, मतलब एक जगह से आप दूसरे जगह पे एकदम इजीली जा सकते हो। और इसके रेंज की अगर बात की जाए, इधर मैंने ट्राई किया इतनी दूरी तक, अगर सर्कल उस जगह पे बना हो ना तो मैं एकदम इजीली पहुंच सकता हूं। मगर मज़े की बात एक और भी, अगर आपका कोई दोस्त न हो के तो उस तक पहुंचने में जो है ना ये आपका कुछ ज़्यादा ही मदद कर सकता है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए भाई डांसिंग ग्रेनेड की, वो भी हम इधर चेकआउट कर लेते। इसके अंदर जो है ना एक जिनी नाचता है, और अगर आप एनिमी फेंकते हो ना वो एनिमी भी नाचने लग जाता है, ये चीज़ लाजमी से याद रखना। तो इसमें मैं कोशिश कर रहा था, ये रियल था, इधर उधर भाग रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक बोट पे ही मैं इधर ट्राई कर लेता हूँ। अब इस पर जैसे ही मैं ट्राई करता हूँ ये मुझे डैमेज दे रहा था, तब भी ये लग गया भाई, डांस भी लग गया। इसके अंदर जो है ना जीनी भी नाचता है, और इसी के साथ साथ जो है ना जो आपका एनिमी है या फिर आपका टीममेट है उसको भी आप इसके अंदर नचा सकते हो कुछ सेकंड के लिए। और फिर उसके बाद आते हैं आगे, वो जो मैंने पेपर का कहा था कि हर एक बंदी को ही देखने को मिल जाएगा, ये जो इस वेपन का ऊपर था जो हमें एक चाकू देखने को मिलता है उसके ऊपर जो था, उसको जैसे ही आप यूज़ करते हो हर एक जगह पर ही आपको ये वाली इवेंट शो करवाते हैं कि किस किस जगह पे इस टाइप की इवेंट है। ये छोटे छोटे जगह जो है ना हमें हर एक जगह पे देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ इधर जो है ना एक और न्यू चीज़ भी इन्होंने इधर ऐड किया है। अब इसको अगर आप फेंकते हो ना इसी के साथ साथ आप भी चाहते हो, मतलब ये भी लास्ट सर्कल में हमें काम आ सकता है, या फिर अगर इनिमी आप पे पुश करता है ना उस टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और कुछ ज़्यादा ही दूरी तक जा सकते हो। इधर जो है ना मैंने इतने दूरी तक इसको ट्राई नहीं किया, बस ऐसे ही नॉर्मली मैंने ट्राई किया। अगर आप लोग इसको दूर तक मतलब हवा में उड़ाते हो ना कुछ ज़्यादा ही दूर तक भी आप इसी के साथ साथ जा सकते हो। ये जो है ना थोड़ा बहुत बनी टाइप का है, मगर फिर भी पनी टाइप का है, मगर सही लग रहा है, फिर भी सही है। और उसी के साथ साथ इधर जो है ना आप लोगों को लूट भी देखने को मिल जाएगा इसी जगह पर, अगर आप लोग उठाना चाहते हो तो इधर से लूट भी आप लोग उठा सकते हो। साइड पे जो है ना इसकी पीटियाँ होती है, मगर ये इस टाइम पे ओपन नहीं हो रही थी, एक जो है ना ये वाली है और एक जो है ना इसकी दूसरी साइड पे पड़ी है ये वाली। तो अब आते हैं भाई नेक्स्ट फ्यूचर से रिलेटेड हम बातचीत कर लेते हैं। इसके अंदर जो है ना पीटियाँ हमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल जाती है लूट करने के लिए। तो अब ये भी ये वाला सर्कल जो है ना जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तब भी हमें पता चलता है कि किस किस जगह पे पीटी पड़ी है, और उस पीटी से जो है ना हम अच्छा खासा लूट भी उठा सकते हैं। और लूट के साथ साथ जो है ना वो डांसिंग ग्रेनेड हो गया या फिर वो दूसरा टेलीपोर्ट वाला हो गया, वो दोनों भी हमें इधर देखने को मिल सकते हैं। इधर जो है ना जैसे ही मैं खोलता हूँ इधर जो है ना वो डांसिंग वाला मुझे देखने को मिल गया। और यार डांसिंग वाला बढ़िया, मैं इससे रिलेटेड और कुछ भी नहीं बोलने वाला, ये डांसिंग वाला जो है ना भाई ये नेक्स्ट लेवल है यार। और उसी के साथ साथ ये भी नचने लग जाता है। तो अब आते हैं इसके और भी थोड़े बहुत फ्यूचर है, तो वो भी हम इधर चेकआउट कर लेते हैं। जैसे ही हम आते इधर जो है ना इरेंगल के अंदर जगह जगह पे ये वाले घर देखने को या फिर ये वाली सिटी देखने को मिल जाती है, तो इसके अंदर भी हम अच्छा खासा लूट कर सकते हैं। ये जो है ना लूट से रिलेटेड है, और साइड पे जो है ना वो बोट पे आ रहे हैं, मतलब बोट की अगर बात की जाए इसको हम शिप भी बोल सकते हैं या फिर बोट भी बोल सकते हैं ना, तो उसके अंदर भी हमें सिक्स एनिवर्सरी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इधर की अगर बात की जाए इधर जो है ना इतने बंदे हमें देखने को नहीं मिल सकते, थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। और उधर की अगर बात की जाए उधर जो है ना हमें अच्छा खासा लूट भी देखने को मिल सकता है, और उधर जो है ना बंदी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो इधर की अगर बात की जाए ये वाली जगह आप पूरी की पूरी इधर से देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही ओल्ड डिज़ाइन इन्होंने डाला है और भाई नेक्स्ट लेवल है। और सामने से आप लोग देख सकते हो वो सामने शिप आ रहा है, शिप हम बोल सकते हैं या फिर बोट भी बोल सकते हैं, और ये जाना हवा में उड़ रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये जगह जगह पे रुकता है, और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो, ठीक है। वही वाला सीन है भाई जैसा कि फेरो अपडेट के अंदर हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो इधर जो है ना जी जिस जगह पे रुकता है वहाँ पे तुम्हें ड्रॉप भी देखने को मिल जाएंगे, ये जो है ना ड्रॉप भी गिराता है, और ड्रॉप से जो है ना अब दूसरा रिकॉल भी उठा सकते हो। इस टाइम पे मेरा एक रिकॉल है, तो अब जैसे ही मैं इधर आता हूँ इधर से मुझे एक और एक्स्ट्रा रिकॉल भी देखने को मिल जाता है।
तो अब इधर मैं तुम लोगों को साइड पे दिखाता हूँ, एक ही जगह पे मुझे इस टाइम पे दो रिकॉल देखने को मिल चुके हैं। तो अब एक मैच में आप दो दो रिकॉल भी उठा सकते हो। इस टाइम पे जो चल रहा है, इस टाइम पे भी हमें दो दो रिकॉल देखने को मिलता है। मतलब इसका जो पहला या फिर दूसरा वाला है ना, कुछ ज़्यादा ही भाई हवी टाइप का है, उधर से निकलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, जो हमारा रेड जोन होता है। तो अब ये वाला जो है ना, ये डायरेक्टली दो रिकॉल है, अब जब भी चाहो भाई इसको यूज़ कर सकते हो और दो बार फिनिश होकर अब फिर से रिंगल में आ सकते हो। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए भाई कालीन की, कालीन जैसे ही हम यूज़ कर लेते हैं ना भाई, अलादीन के बगैर जो है ना हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं और जा सकते हैं, जहाँ भी हम जाना चाहें ना ये कालीन हमारे लिए बिल्कुल हाजिर हो चुका है, और जहाँ भी हम चाहे ना उधर तक जा सकते हैं। मगर इसके अंदर जो है ना दो तीन चीज़ें लाजमी होंगे। सबसे पहले मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब इधर की अगर बात की जाए, इसकी प्योल भी ख़त्म हो सकते हैं, और अब अगर इनमें इसके ऊपर पायर करता है ना, ये ब्लास्ट भी हो सकता है, मतलब ख़त्म भी हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, इससे रिलेटेड आप लोगों को डैमेज देखने को नहीं मिलेगा, बस डायरेक्टली ये ख़त्म हो सकता है। तो अब आते हैं भाई हम इस सामने वाले शिप से रिलेटेड बातचीत कर लेते हैं, जो एक साइड से शुरू होकर दूसरे साइड से जाता है, और दो पूरे के पूरे एरेंगल के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे, और दूसरा जो है ना दूसरे साइड से शुरू होकर चौथे साइड, मतलब तीसरे साइड से शुरू होकर चौथे साइड तक जाता है, कुल मिलाकर दो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जैसे ही ये एक जगह पे रुकता है, उधर जो है ना थोड़ा बहुत टाइमिंग होता है, और उसी टाइमिंग में ही आपने इसके अंदर ही जाना है, और वो भी इसी कालीन के ऊपर आप जा सकते हो। तो अब जैसे ही आप ऊपर जाते हो ना, सिक्स एनिवर्सरी से रिलेटेड जो है ना फिर आप लोगों को इधर चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इधर कौन आएगा, मगर नहीं भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बंदे इधर मुझे देखने को मिल सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके बीच में जो है ना एक बड़ी सी पेटी पड़ी है, और इसके लिए जो है ना चाबी का ही ज़रूरत है, और चाबी जो है ना वो छोटे छोटे जो बॉक्स होते थे इससे पहले जो सर्कल के अंदर मैंने दिखाए थे, उधर से जो है ना इसकी चाबी देखने को मिलती है, फिर उसके बाद वही चाबी उठा के आप इधर लेके आ सकते हो, और इधर से बढ़िया बढ़िया लूट भी लेके जा सकते हो। और इधर जो है ना सिक्स एनिवर्सरी से रिलेटेड इन्होंने एक और चीज़ भी रखा है, मतलब तूफ भी रखा है। अगर आप तूफ को यूज़ करते हो उसी टाइम पे जो है ना इसके पायर वर्क्स भी शुरू हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसका तूफ इधर दिखाता हूँ जो नीचे पड़ा है, और फिर उसके बाद हम इधर से भी निकल जाएंगे। इधर जो है ना दो ऑप्शन है, आप ख़ुद को भी फेंक सकते हो डायरेक्टली नीचे, ठीक है, जैसा कि फिफ्थ एनिवर्सरी के टाइम पे हमें देखने को मिला था, और आप इसको यूज़ भी कर सकते हो जैसा कि सिक्स एनिवर्सरी के टाइम पे हमें देखने को मिला था। तो अब यूज़ की अगर बात की जाए, हम इस टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हम इधर पायर करते हैं ना, पायर वर्क्स डायरेक्टली निकल जाते हैं, और सिक्स जो है ना हमें आगे देखने को मिल जाता है। तो अब इस सिक्स एनिवर्सरी से रिलेटेड जो है ना इधर इसकी कहानी हो जाती है क्लियर। फिर भी थोड़े बहुत छोटे मोटे चीज़ें जो मुझे अंदाज़ा है देखने को मिल सकते हैं, और भी ज़मीन पे जो है ना ये हवा में, तो अब वो अगर मेरे हाथ लगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी से तुम लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। और अगर पेकने की अगर बात की जाए, जितना भी आप दूर जाना चाहते हो उससे जो है ना आप ख़ुद को नीचे पेक सकते हो। तो अब इसके बाद थोड़े बहुत और भी हवी चीज़ें हमारे रहते हैं, मगर ये कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, जो अभी मैंने दिखाया इनमें से कौन कौन सा चीज़ आप लोगों को सबसे अच्छा लगा है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। और एक बार फिर से बताता हूँ, जो हमारा ऑन हिट इफेक्ट है ना वो हमें चेंज देखने को मिल जाएगा, और लोबी के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिले, तो वो भी हम आगे चेकआउट करेंगे। और इसके अगर बात की जाए, ऑन हिट इफेक्ट आप लोग इधर देख सकते हो, हिट बैक जो है ना हमारा चेंज होगा न्यू अपडेट के अंदर, जैसा कि BGMI के अंदर है ना, ठीक वैसा ही। तो अब अगर बात की जाए दूसरे इवेंट की, दूसरा इवेंट भी इसका जो फ्लाइंग, मतलब जो हवा में इन्होंने एक और सिटी बनाई है दूसरी वाली, वो जो है ना वो भी सेम टू सेम, इतनी कुछ खास अलग नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका डिज़ाइन इन्होंने अलग किया, उसके अंदर भी हमें जिन्हें देखने को मिलता है, और इसके अंदर भी जो दूसरी वाली है इसके अंदर भी हमें जिन्हें देखने को मिल जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जिन्हें को हमने विश कैसे करना है। तो अब सबसे पहले आपने इस चीज़ के लिए इंतज़ार करना होगा, इसका जो है ना टाइमर साइड पे आप लोग देख सकते हो, कुल मिलाकर 4 मिनट तक होगा। तो अब इस टाइम पे आप लोग मैप के नीचे देख सकते हो, कुल मिलाकर 18 या फिर 17 सेकंड रह गए। तो अब अगर इसका टाइमिंग ख़त्म होता है ना, उसके बाद जो है ना आप लोग इधर विश कर सकते हो, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका अचीवमेंट भी थोड़ा बहुत जलील हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, विश से रिलेटेड। जैसे ही हम इधर विश करते हैं ना, तभी इधर से जीनी निकलता है, और जीनी से रिलेटेड जो है ना आप लोगों को अच्छा खासा लूट देखने को मिल जाता है, और जो हमारा अचीवमेंट वाला सीन होगा वो भी जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई इसी जीनी से रिलेटेड तो लाजमी होगा। ये वाला जीनी तो अचीवमेंट के अंदर हमें लाजमी देखने को मिलेगा, ठीक है, कि एक बार आपने लाजमी इसको एक्टिव करना है। तो अभी जीनी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, डांसिंग वाला जीनी सही था या फिर ये वाला। तो अब ये जीने की कहानी भी इधर से हो जाती है क्लियर। इधर से जो ना हमें अच्छा खासा लूट भी देखने को मिल जाता है, जो भी इसके पावर वगैरह होते हैं, जो भी आइटम होते हैं, वो सारे के सारे जीनी इधर फेंक देता है। और लेवल 3 का सामान तो भाई बर के आप लोग इधर से उठा सकते हो। तो फिर उसके बाद आते हैं शॉप से रिलेटेड हम बातचीत कर लेते हैं। शॉप के अंदर जो है ना सारे के सारे आईमो, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी तक जो है ना और आईमो हमें देखने को नहीं मिली थी,
3.1 अपडेट के अंदर ये सारे के सारे आई मूवी हमें देखने को मिल जाएंगे। और दो चीज़ें मैंने और भी नोटिस नहीं किए थे, जैसा कि DP और M249 आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी इस टाइम पे नहीं है, तो अब ये भी 3.1 अपडेट के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ P90 का भी वही 2.0 वर्जन हमें देखने को मिल जाएगा 3.1 अपडेट के अंदर। तो अब ये वाला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है ये हमें ड्रॉप से देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद इधर से जो है ना हमें थोड़ा बहुत लूट भी देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई लूट का हमने क्या करना है या फिर लूट जो है ना हम किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आता हूँ लोबी में, फिर उसके बाद जैसे ही मैं घुस जाता हूँ अपनी प्रोफाइल के साइड पर, इधर जो है ना आप लोग होम लैंड बना सकते हो, ठीक है। तो अब इधर अगर मैं चाहूँ ना अपना घर इधर बना सकता हूँ और लोगों को दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने किस टाइप का घर बनाया, मगर उसके लिए जो है ना इस लूट का लाजमी से ज़रूरत होगा। और ये लूट तभी तुम्हें देखने को मिलेगा अगर आप लोग खेलोगे और उसी के साथ साथ जो इधर मिशन ये देते हैं पबजी वाले आप लोग वो कंप्लीट करोगे। और फिर उसके बाद इसके अंदर भी वही वाला सीन होगा जैसा कि वॉर बीटा के अंदर है, ठीक है। आप लोग इधर घर बना सकते हो, जो भी चीज़ें आप लोग चाहते हो ना वो सारे के सारे आप लोग इधर बना सकते हो। तो अब जो बंदे वाओ में बनाते हैं अभी भी उनको तो पता होगा कि भाई क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, और जिन बंदों को पता नहीं उन बंदों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया है, फिर जिन बंदों को पहली बार ये चीज़ देखने को मिलता है। तो चलो भाई, जिन बंदों को वाव का वेरिफिकेशन देखने को नहीं मिला था वो बंदे जो है ना इधर से वो वाला भूख मिटा सकते हैं, मगर एक चीज़ है वो उन बंदों का अचीवमेंट आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कंप्लीट नहीं होगा इस चीज़ से। ये सिर्फ और सिर्फ भाई शो ऑफ के लिए होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, मतलब कन्फर्म नहीं है फिर भी देख लेते हैं। जैसे ही ये चीज़ ग्लोबली लॉन्च हो जाए उसी टाइम पर हम इस चीज़ को चेकआउट भी करेंगे और देख लेंगे कि क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं या फिर क्या क्या हम इसके अंदर उठा सकते हैं। और इसके जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे ये दीवार वगैरह या फिर जो भी हम इधर लगा वो सारे के सारे लूट के थ्रू हमें देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद ग्राफिक्स के अंदर भी इन्होंने चेंज कर दिया है, 90 FPS के जगह पे हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके लास्ट में जो है ना 1013 लिखा है। और उसके बाद जो है ना इधर और भी थोड़े बहुत फ्यूचर जो हमें न्यू अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं। ये ग्राफिक्स वाला तुम लोगों को कैसे लग रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। और इधर क्या अगर बात की जाए, इधर जो है ना इमोट के साइड पर एक ये वाला इमोट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कोई आइडिया नहीं कि ये है क्या चीज़ या फिर इससे रिलेटेड हमें क्या देखने को मिलता है। तो अब जैसे ही बीटा वर्जन का 3rd अपडेट आ जाना फिर उसके अंदर हमें ये चीज़ें भी क्लियर देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ इधर जो है ना फायरवर्क्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ये भी नो आइडिया कि भाई वही वाले जो अभी हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े वो हम यूज़ करेंगे या फिर कुछ और होंगे। और उसके बाद अगर हम ट्रेजर की बात की जाए, ट्रेजर जो है ना हमारा पूरा का पूरा चेंज होगा, पॉपुलरिटी हमें अलग जगह पे देखने को मिल जाएंगे और उसी के साथ साथ सस्ते आइटम हमें अलग देखने को मिल जाएंगे और जो हमारी मटेरियल्स होंगे वो हमें अलग जगह पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब एक चीज़ है भाई, हो सकता है कि हमें पूरा का पूरा मटेरियल भी देखने को मिल जाए इजी करेंसी पे, मगर ये चीज़ जो है ना ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। तो फिर भी 3rd अपडेट तक जो है ना हम इस टाइम पे इंतज़ार कर लेते। तो ये रही भाई साहब इसके पूरे के पूरे फ्यूचर जो भी थे सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर मैंने कवर किया। अगर कोई भी एक अदर रह जाता है ना तो इंशाल्लाह वो अगली वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं तुम लोगों के साथ लाजमी से शेयर करूंगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।